गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मध चक्र पर आपसे चर्चा की। मध चक्र क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियस साइकिल। मध चक्र जो होता है वो प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। प्राइमेट्स स्तनधारियों के अंडाशय एवं उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मध चक्र कहा जाता है। प्राइमेट जंतुओं में मध चक्र कैसे होता है, तो प्राइमेट जंतुओं में क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण अचानक से बढ़ जाता है। जैसे ही उनके अंदर अचानक से एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है, तो वह एस्ट्रोजन हार्मोन उन प्राइमेट जंतुओं के शरीर के रक्त में क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। मिश्रित होने से उन जंतुओं में उत्तेजना उत्पन्न होती है और उन जंतुओं में तीव्र संभोग करने की इच्छा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। यदि इस दौरान कोई नर पशु उन मादा पशुओं से संयोग कर लेता है तो नई संतति के निर्माण होने की प्रबल संभावना रहती है। देखिए, भिन्न भिन्न जंतुओं में मधकाल की अवधि जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। आपको हमने बताया गाय और भैंस के अंदर मधकाल की अवधि लगभग 18 से 20 घंटे के लगभग होती है। हिरण के अंदर मधकाल की जो अवधि होती है वो लगभग आपको बताया एक हफ्ते के लगभग होती है। कुत्ता बिल्ली के अंदर भी लगभग एक हफ्ते के लगभग होती है। मधकाल की अवधि के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग मैंने आपको बताया, ठीक है, मोनोएस्ट्रस, और दूसरा होता है बाइएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस का अर्थ क्या है, ऐसे जंतु, ठीक है, जिनमें मधकाल की अवधि एक वर्ष में केवल एक बार आती है। ऐसे जंतु जिनमें मधकाल की अवधि एक वर्ष में कितनी बार आती है, केवल एक बार आती है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया गाय भैंस, इन दोनों के अंदर मधकाल की अवधि एक वर्ष में केवल एक बार आती है, ठीक है। कई बार क्या है कि गर्भधारण कर लिया जाता है, गर्भधारण करने के बाद उनका, ठीक है, भ्रूण क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है या बाहर निकल जाता है, यानी कि एबोरेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो दोबारा क्या है, गर्भधारण कर सकते हैं या उनमें दोबारा से मधकाल आ सकता है। देखिए, पॉली यानी कि मोनोएस्ट्रस के बाद आता है बाइएस्ट्रस। ऐसे जंतु जो एक वर्ष में दो बार क्या है, ऐसे जंतु दिन में एक वर्ष में दो बार मधकाल आता है, या हम कह सकते हैं वे जंतु जिनमें मधकाल की अवधि एक वर्ष में कितने बार आती है, दो बार आती है। जैसे भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सभी जंतुओं के अंदर मधकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, एक वर्ष में दो बार, ठीक है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी कि इसके बारे में लैंगिक जनन के दौरान घटित होने वाली प्रमुख घटना, लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान, ठीक है, कुछ श्रृंखलाबद्ध क्या होता है, जीवों के अंदर परिवर्तन, या जीवों के अंदर कुछ श्रृंखलाबद्ध घटनाएं क्या है, घटित होती है। और वो घटनाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरी होती है निषेचन अवस्था, और तीसरी होती है निषेचन पश्चात। आपसे हमने जो चर्चा की थी वो निषेचन पूर्व अवस्था के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि निषेचन पूर्व अवस्था में जो जीव होते हैं, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर, ठीक है, दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले उन जीवों में क्या है, युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण के पश्चात उन जीवों में, ठीक है, युग्मकों का क्या होता है, संलयन। हमने आपको युग्मकों का निर्माण पादपों में किस प्रकार से होता है, जंतुओं में किस प्रकार से होता है, उस पर आपसे चर्चा की। और आपको हमने बताया कि युग्मकों का जब भी निर्माण होता है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगुणित होती है।
चाहे युग्मकों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं अगुणित हो या द्विगुणित, परंतु ठीक है जब भी युग्मकों का निर्माण होगा उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी, हैप्लोइड होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हैप्लोइड इन गैमेट्स। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी। इसी आधार पर हमने आपको बताया कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक समयुग्मक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, विषम युग्मक होते हैं। समयुग्मक की युग्मक किसे कहते हैं, होमोगैमेट्स, ठीक है। वे जीव जिनमें युग्मकों की संरचना, वे जीव जिनमें युग्मक संरचना और कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान होते हैं। वे जीव जिनमें युग्मक संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से कैसे हो, समान हो, उन्हें कहते हैं समयुग्मक या होमोगैमेट्स कहा जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया सरल प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे कुछ सरल प्रकार के शैवाल होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स होता है, स्पायरोगायरा होता है, नॉनस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, ये सारे ऐसे शैवाल होते हैं जिनके अंदर युग्मक जो होते हैं वो समयुग्मक की प्रकार के पाए जाते हैं, होमोगैमेटिक प्रकार के क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। परंतु दूसरे प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, विषम युग्मक की प्रकार के होते हैं। वे जीव जिनमें युग्मक संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको मानव के युग्मक बताया, मानव के अंदर जो नर युग्मक होता है वो उसकी संरचना चम्मच के आकार की होती है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि मादा युग्मक की संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है, ठीक है, यानी कि अंडाणु की संरचना गोलाकार। इसलिए हमने बोला कि वे जीव जिनमें युग्मक जो होते हैं वो संरचना और कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। युग्मक जो होते हैं वो संरचना और कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विषम युग्मक ही कहा, ठीक है। खासतौर से मानव के अंदर जो युग्मक होते हैं वो विषम युग्मक की प्रकार के होते हैं, हेट्रोगैमेटिक प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उस पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले अभी हमारा युग्मक से संबंधित कुछ बिंदु क्या है, शेष रह गए, उन बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। युग्मकों से संबंधित कुछ बिंदु हैं वो आपसे क्या है, शेष रह गए, उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में जब युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है, तो वहां पर युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान तीन प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ भिन्न भिन्न जीवों में युग्मकों का जब निर्माण होता है, भाई अलग अलग जीव है, उन जीवों में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान तीन प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। आपसे पूछा जाए कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान कितने प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो तीन प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला है युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन, पहला कौन सा होता है, युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा होता है बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा होता है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो भिन्न भिन्न जीवों में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान वहां पर एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसे कहा जाएगा युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन कहा जाएगा, युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन कहा जाएगा। कुछ जीवों में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण के समय जो विभाजन होता है उसे कहा जाता है बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन, स्पोरिक मियोसिस डिवीजन, स्पोरिक मियोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं। और कुछ अंतों में जब बीज यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है तो वहां पर युग्मकों में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसे कौन सा कहा जाएगा, युग्मकी अर्धसूत्री विभाजन कहा जाए, उसे गैमेटिक मियोसिस डिवीजन, ठीक है। यानी कि युग्मकों के निर्माण के समय
जब भी युग्मकों का निर्माण होगा किन में होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में। तो उन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में जो अर्धसूत्री वादन होगा वो कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। एक होगा युग्मनादी अर्धसूत्री वादन, दूसरा होगा बीजाणु का अर्धसूत्री वादन, और तीसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा युग्मक के अर्धसूत्री वादन कहलाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन विल बी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान तीन प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक होता है युग्मनादी अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा होता है बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, युग्मक के अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उन जीवों में युग्मकों की जो संख्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में जो युग्मकों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और उन जीवों में गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। ऐसे ही अगर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है प्रत्येक जीव के अंदर, तो उनमें युग्मकों की संख्या भी निश्चित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आइए हम आपको कुछ प्रमुख जीवों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और युग्मकों की संख्या कितनी होती है, इसी पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए पादपों पर आपसे बात करते हैं। जैसे पादपों में हम गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पादपों में जो गेहूं होता है बीज, जिसको बोलते हैं टेट्रेकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं, इस गेहूं के अंदर, ठीक है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गेहूं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आप ध्यान रखना। किसी भी जीव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो द्विगुणित होती है, ठीक है। किसी भी जीव में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो द्विगुणित होगी, ठीक है, द्विगुणित। अब मैं यहाँ पे द्विगुणित संख्या लिख रहा हूं। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42। 42 का मतलब ये द्विगुणित अवस्था। परंतु इसमें जब युग्मकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो युग्मकों की संख्या हमेशा क्या होती है, एगुणित। एगुणित का मतलब आधी होती है, हैप्लोइड होती है। तो युग्मकों की संख्या कितनी होगी, आप बता दीजिए, गुणसूत्रों की संख्या के क्या होती है, आधी होती है। युग्मकों की संख्या, नंबर ऑफ गैमेट्स, और युग्मकों की संख्या यहाँ पे क्या होती है, हमेशा एगुणित होती है। देखो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है ना, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है और युग्मकों की संख्या क्या है, एगुणित। तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 है, तो युग्मकों की संख्या क्या होगी, इसकी जस्ट आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21। कितनी हो गई यहाँ पे, 21 यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। जैसे मैं जौ की यानी कि मक्का की बात करूं, मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिया मेज होता है, ठीक है। और मक्का के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 20 होती है। परंतु अगर इसमें युग्मकों की संख्या देखें तो आधी हो जाएगी, कितनी होती है, 10 होती है। मक्का में युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। अगर जैसे मैं आलू के बारे में बात करूं, पोटैटो ट्यूबरसम के बारे में, आलू के बारे में, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। परंतु आलू में अगर युग्मकों की संख्या पूछी जाए कि आलू के अंदर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो आलू में युग्मकों की संख्या क्या होती है, एगुणित होगी, और एगुणित रूप में कितनी होगी, 24 होगी। कितने होंगे, 24 होंगे। देखो भी अगर मैं जैसे प्याज के बारे में बात करें, ऑनियन के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्याज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। ये आपको मेरे नोट्स में थोड़ा गलत लिखा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे आपको 32 लिखा होगा, वो गलती से 32 लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पे कितने होंगे, 16 होते हैं। युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। युग्मकों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी और सॉरी युग्मकों की संख्या 8 होगी प्याज में, और गुणसूत्रों की संख्या प्याज के अंदर कितनी होती है, 16 होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं प्याज के बाद, जैसे सेब के अंदर, सेब के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है, ठीक है। युग्मकों की संख्या ठीक इसके क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हैप्लोइड हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। कितने होंगे गुणसूत्रों की संख्या, 17 होगी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 17 यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 17 गुणसूत्रों की संख्या इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। जैसे चावल के बारे में बात करें, राइस के बारे में, यानी कि ओरिजा सेटाइवा के बारे में बात करें, चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। परंतु चावल में यदि युग्मकों की संख्या के बारे में जानकारी लें तो चावल में युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, ध्यान से समझ लीजिए, ये तो हो गया पादपों के बारे में। इसी तरीके से यदि हम जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जंतुओं का भी हम यहाँ पे शॉर्टली आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये गुणसूत्रों की संख्या, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है युग्मकों की संख्या, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या हमेशा द्विगुणित होती है और युग्मकों की संख्या हमेशा कैसी होती है, अगुणित होती है। अब जैसे मैं मानव में ही बात करता हूं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हम लोगों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 2n हो गया 46, और n बराबर कितना होंगे, आधे, आधे का मतलब क्या है, 23, ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर आधा माँ से आधा पिता से, माँ से 23 आते हैं, पिता से 23 आते हैं, टोटल मिलाकर के अब कितने गुणसूत्र हो गए हमारे शरीर में, टोटल 46 हो गए। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। देखिए फल मक्खी के बारे में आपको बात करें, फल मक्खी जिसको ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं, फल मक्खी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला मक्खी के नाम से जानते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, फल मक्खी जिसको ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हमारी घरेलू मक्खी के बारे में बात करें, मस्का डोमेस्टिका के बारे में, घरेलू मक्खी के बारे में, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। परंतु उसमें युग्मकों की संख्या पूछे तो युग्मकों की संख्या क्या होती है, अगुणित। अगुणित का मतलब उसमें युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। देखिए कुत्ता जो होता है, डॉग, कुत्ते के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 78 होती है। कुत्ते के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 78 होती है। परंतु यदि कुत्ते में युग्मकों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 39 होती है। अगर हम बिल्ली के बारे में बात करें, कैट के बारे में बात करें, बिल्ली के बारे में, तो बिल्ली के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछे तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 38 होती है। और उसमें युग्मकों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है बिल्ली के अंदर, ठीक है भाई। देखिए अगर हम बात करें चूहे के बारे में, चूहे के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, रैट के अंदर, रेटस रेटस जो इसका वनस्पति यानी कि जूलॉजिकल नेम है, चूहे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। परंतु अगुणित गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 21 होती है। आपने देखा कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या जितनी होती है उसकी आधी क्या होती है, युग्मकों की संख्या होती है। इसलिए युग्मकों को हम n से दर्शाते हैं और गुणसूत्रों की संख्या को 2n के द्वारा दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये कहा आपसे कि आलू में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, आलू में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 24 है, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 24।
तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो n बराबर 24 है तो 2n पूछ रहे हैं, 2n का मतलब गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं, तो n की वैल्यू 24 है तो 2 गुणा n की वैल्यू 24 पुट अप कीजिए, टोटल कितना हो गया गुणसूत्रों की संख्या 48 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणसूत्र और युग्मकों की संख्या के बारे में जानेंगे। तो आपको हमने यहाँ पर यह बता दिया है कि भिन्न भिन्न जीवों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों की संख्या हमेशा कैसी होती है, निश्चित होती है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में युग्मकों की संख्या भी कितनी होती है, निश्चित होती है। कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र, 23 युग्मक। ठीक है, बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, निषेचन पूर्व अवस्था पर हमारी बात चल रही थी, और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, युग्मकों का स्थानांतरण। देखिए, युग्मकों का निर्माण हो गया है निषेचन पूर्व अवस्था में, अब उनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। देखिए, जी वो मैं जनन, ये पाठ हमारा चल रहा है अभी रेगुलर, ठीक है ना। और इस पाठ में जो हम बात करने जा रहे हैं, किस पे बात करने जा रहे हैं, लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं हमारा टॉपिक चल रहा था, और आपको बताया लैंगिक जनन के दौरान तीन प्रमुख घटनाएं घटती है, निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन अवस्था और निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था में भी दो प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें युग्मकों का निर्माण और दूसरा है युग्मकों का संलयन। पर हम युग्मकों का संलयन पढ़ने से पहले हम दूसरे टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, और वो है युग्मकों का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण बात करने जा रहे हैं। युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। देखो भाई, जब जीवों के अंदर किसका निर्माण हो जाता है, युग्मकों का निर्माण हो जाता है। और युग्मक कौन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा कौन सा होता है, मादा युग्मक होता है। ठीक है, जब जीवों में नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो निर्माण होने के पश्चात इन युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्यों होता है स्थानांतरण, ताकि ये युग्मक आपस में संलयित हो सके, ताकि ये दोनों युग्मक आपस में मिल सके, आपस में अपनी क्रिया कर सके। इसलिए यहाँ पर जब जीवों में युग्मकों का निर्माण हो जाता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मक आपस में क्या होता है, संलयित होता है। और संलयित होने से पहले क्या है, ये दोनों आपस में स्थानांतरित होते। तो आपको मैं बता दूं किस तरीके से स्थानांतरित होते। सामान्यतः जो पादप होते हैं, जैसे सहवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा वाले पादप होते हैं, या डाइडोफाइटा वाले पादप होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, वो गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो वो गतिशील युग्मक जो होते हैं, उनको जल के अंदर क्या है, छोड़ दिया जाता है। जब उन्हीं युग्मकों को जल के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि जलीय माध्यम के अंदर वो नर युग्मक और मादा युग्मकों को छोड़ दिया जाता है, किनके द्वारा, सरल पादपों के द्वारा, जैसे शैवालों के द्वारा, ब्रायोफाइटा के द्वारा, टाइडोफाइटा के द्वारा। और ये जो सरल प्रकार के शैवाल होते हैं, या सरल प्रकार के जो पादप होते हैं,
वो अपने युग्मकों को जलीय माध्यम में क्या है, छोड़ देते हैं। और जलीय माध्यम में जब छोड़ दिया जाता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, गतिशील होते हैं जल के अंदर, और गति करके वो मादा युग्मक तक क्या है, पहुंच जाते हैं। और पहुंचने पर नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। नर युग्मक का और मादा युग्मक का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। कई बार मैंने आपको बताया था कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके जैसे सामान्यतः मैं आपको बता दूं, कुछ शैवाल होते हैं या कुछ कवक होते हैं। वो शैवाल और कवकों के जो युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं, और वो गतिशील नर युग्मक और मादा युग्मक जलीय माध्यम में गति करते हैं, और गति करने के पश्चात वो दोनों युग्मक आपस में संलयित होकर के नए पादपों का या नए शैवाल या नए कवकों का क्या करते हैं, निर्माण। परंतु सामान्य कुछ पादप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा वाले पादप होते हैं या टाइडोफाइटा वाले पादप होते हैं, उनमें क्या है कि एक युग्मक गतिशील होता है, दूसरा नहीं होता है, तो वो गति करके उस युग्मक तक क्या है, स्थानांतरित हो जाता है। कुछ कैसे होते हैं युग्मक, अगतिशील होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब वो गति नहीं करते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। तो वहां तक वो युग्मक क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। वो युग्मक क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। और गति करने के बाद जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जलीय माध्यम के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद उन नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। उन नर युग्मक और मादा युग्मकों का स्थानांतरण होने के पश्चात वो दोनों आपस में संलयित होकर के नई संतति के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। देखिए पादपों में जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उनमें युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, उच्च श्रेणी के पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, या हम बात कर रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इस बिंदु पर आपसे बात कर रहे हैं। तो पादपों में युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो लैंगिक अंगों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है, पादपों के लैंगिक अंगों के आधार पर निर्भर करता है। और आपको मैं बता दूं पादपों में जो लैंगिक अंग होते हैं, पादपों में जो लैंगिक अंगों के आधार पर, पादपों को लैंगिक अंगों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पादपों को लैंगिक अंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया, ठीक है। तो लैंगिक अंगों के आधार पर पादपों को हमने दो भागों में बांट दिया, एक होते हैं एक लिंगी पादप और दूसरे होते हैं द्विलिंगी पादप, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि एक लिंगी पुष्प है जिसमें केवल और केवल क्या है, मादा जननांग उपस्थित है। एक लिंगी पुष्प है इसमें केवल क्या है, मादा जननांग क्या है, उपस्थित है। और यहाँ पर दूसरा जो पौधा है उसके अंदर केवल कौन सा पुष्प विद्यमान है, केवल नर जननांग ही उस पुष्प के अंदर क्या है, उपस्थित है। तो इसके अंदर ये दूसरा पुष्प है, एफ टू लिखा है, ये हमने एफ पर लिखा है, ये फ्लावर फर्स्ट है, ये फ्लावर सेकंड। तो एक पादप के अंदर तो पुष्प कौन सा लगा है, एफ वन, यानी कि उसमें तो मादा जननांग वाला पुष्प है, और दूसरे पौधे के अंदर कौन सा लगा हुआ है, नर जननांग वाला पुष्प लगा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे इनके अंदर युग्मकों का स्थानांतरण होगा, जब नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है, दोनों पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो जैसे ही क्या है, नर जननांग पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो ये पराग कोष होगा, ये पराग कोष यहाँ से क्या होगा, फटेगा। पराग कोष फटेगा तो इस पराग कोष के अंदर उपस्थित जो पराग कण होंगे, लघु बीजाणु होंगे, वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद वो या तो वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से या कीटों के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से या चमगादड़ों के माध्यम से क्या है, ये पराग कण कहाँ पर पहुंच जाते हैं, मादा की वार्षिक अंग पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ज्यादातर जो परागण की क्रिया होती है, ये परागण जो दिखाया गया है वो कौन सा कहलाएगा, पर परागण। कौन सा परागण कहलाएगा, पर परागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से उसे क्या है जाना जाता। तो ऐसा परागण जिसमें नर युग्म, ठीक है, किसी माध्यम के द्वारा या पराग कोष से परागकण मुक्त होकर किसी माध्यम के द्वारा मादा की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो। तो इस तरह आपने देखा कि एक लिंगी जो पुष्प होते हैं, एक लिंगी जो पौधे होते हैं, उनमें युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो उनमें युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? पर परागण की विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? पर परागण की विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पुष्पीय जो पादप होते हैं, इसलिए मैंने पाला कि पुष्पीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण लैंगिक अंगों के आधार पर होता है। यदि पुष्प एक लिंगी है, यदि पुष्प यानी कि दो पादप एक एक लिंगी है, तो वहां से एक पुष्प से नर जननांग जो होगा वो माता की वर्तिकाग्र पर, ठीक है, पर परागण की क्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। और पर परागण में मैंने आपको बताया, पर परागण की परिभाषा, पराग कोष से परागकण बाहर निकल करके, पराग कोष से परागकण मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा, ठीक है, मादा की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पर परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर परागण कहा जाता है। तो इस तरीके से एक लिंगी पादपों में युग्मकों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। कौन से पादपों में? एक लिंगी पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ है? अगर अब हम बात करें द्विलिंगी पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, देखिए द्विलिंगी पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। देखो आपको मैं ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूं इस प्रकार से। ये एक क्या है? द्विलिंगी पुष्प है जिसमें दोनों जनन अंग क्या है? उपस्थित है। ये एक द्विलिंगी पुष्प है जिनमें दोनों जननांग, नर जननांग भी और मादा जननांग, दोनों जननांग इनके अंदर क्या है? उपस्थित है, ठीक है। देखिए इनके अंदर दोनों जननांग क्या है? यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पे मादा जननांग है, ये कौन सा है? नर जननांग है। ये दोनों जननांग उपस्थित है। जब एक ही पुष्प में दोनों जननांग उपस्थित होंगे तो यहाँ पर आसानी से क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न जल की पड़ेगी, न वायु की पड़ेगी, ठीक है, न यहाँ पर किसी जैविक कारक की आवश्यकता पड़ेगी, भाई कीटों की आवश्यकता पड़े या पक्षियों की आवश्यकता पड़े या चमगादड़ की आवश्यकता पड़े, न तो यहाँ पर जैविक कारक न ही अजैविक कारक परागण की क्रिया में भाग ले। यहाँ पर तो क्या है कि पराग कोष से जैसे ही परागकणों का निर्माण होगा तो पराग कोष यहाँ से फटेगा, पराग कोष फटेगा तो परागकण बाहर निकलेंगे और वो परागकण क्या है? मादा की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि द्विलिंगी जो पौधे होते हैं उनमें युग्मकों का स्थानांतरण किस विधि द्वारा हो रहा है? बहुत ही आसान विधि द्वारा हो रहा है, स्व परागण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर अधिकांशतः पादप जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और द्विलिंगी जो पादप होते हैं उनमें स्व परागण की क्रिया पाई जाती है। कौन सी क्रिया पाई जाती है उन पादपों में? स्व परागण की क्रिया उन पादपों के अंदर क्या है? पाई जाती है, खासतौर से पुष्पीय पादप, क्योंकि पुष्पीय पादपों में ये क्या है? नर जननांग है, नर जननांग में पराग कोष होता है, पराग कोष के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। जब पराग कोष पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो परागकण क्या हो जाता है? फट जाता है, सॉरी पराग कोष फट जाता है। पराग कोष फटने पर परागकण बाहर निकलते हैं। परागकण जब बाहर निकलते हैं तो ये परागकण कहाँ पर पहुंच जाते हैं? मादा की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। और मादा की वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और परागण भी कौन से प्रकार का? स्व परागण कहते हैं। स्व परागण की परिभाषा क्या हुई? जब पराग कोष से परागकण मुक्त होकर, जब पराग कोष से परागकण मुक्त होकर के उसी पुष्प की, जब एक पुष्प के पराग कोष से, जब एक पुष्प के पराग कोष से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की
माता की वर्ती कागज पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वयं परागण कहा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर परागण की दो विधियों पर बात कर ली आपसे, स्वयं परागण और परागण दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण और दूसरा कौन सा प्रकार का होता है, पर परागण होता है। यहीं पर ही ये परागण क्या होता है, वर्ती कागज पर ये परागण अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद यहाँ से पराग नलिका का निर्माण होगा, वो पराग नलिका वर्तिका में आएगी, वर्तिका से किस में आ जाएगी, अंडाशय में आ जाएगी, और अंडाशय से वो किस में प्रवेश करेगी, बीजांड के अंदर वो क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और बीजांड से जब प्रवेश कर जाती है तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित हो जाते हैं तो नई संतति का निर्माण होने की संभावना बढ़ जाती है, फल और बीजों का निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, फल और बीजों के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो आज डियर स्टूडेंट हमने जो बात किया है वो युग्मकों का स्थानांतरण पढ़ा, और युग्मकों का स्थानांतरण भी हमने किस में पढ़ा है, केवल पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा, हमने आपको बताया जो सरल प्रकार के पौधे होते हैं खासतौर से जैसे शैवाल होते हैं या ब्रायोफाइटा होते हैं या टाइडोफाइटा होते हैं, इनके अंदर क्या है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं, ये नर युग्मक और मादा युग्मकों का जब इनमें निर्माण हो जाता है तो ये जल के अंदर जलीय माध्यम के अंदर अपने नर युग्मक और मादा युग्मकों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ने के पश्चात नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक के पास क्या है, पहुंच करके मादा युग्मक को क्या कर देते हैं, संलयित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक ठीक है शैवालों का निर्माण होता है, कवकों का निर्माण होता है, या अनेक ब्रायोफाइटा पादपों का निर्माण होता है, या फिर किन का निर्माण होता है, अनेक टाइडोफाइटा पादपों का निर्माण होता है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में किस प्रकार से ठीक है, पुष्पीय पादपों में किस प्रकार से युग्मकों का स्थानांतरण होगा, तो आपको मैंने बताया कि पुष्पीय पादपों में जो युग्मकों का स्थानांतरण होता है वो लैंगिक अंगों के आधार पर होता है, और आपको मैंने बताया कि पादप दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और दूसरे होते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी में क्या होता है कि पराग कोष से परागकण मुक्त होने के पश्चात किसी माध्यम के द्वारा, जलीय माध्यम के द्वारा, वायु के माध्यम के द्वारा या जैविक माध्यमों के द्वारा वो परागकण मादा की वर्ती कागर पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जबकि द्विलिंगी जो पादप होते हैं, यानी कि अधिकांशतः पादप द्विलिंगी होते हैं, और अधिकांशतः द्विलिंगी जो पादप होते हैं उनमें युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि एक पुष्प से एक उसमें उपस्थित पराग कोष जब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है तो पराग कोष से परागकण निकलते हैं, और परागकण जो होते हैं वो उसी पुष्प के वर्ती कागज पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और स्थानांतरण के पश्चात नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस तरह से पुष्पीय पादपों में युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है और युग्मकों का स्थानांतरण है ठीक है। डियर स्टूडेंट अब तक हमने पादपों में युग्मकों के स्थानांतरण पर आपसे क्या करने की चर्चा करनी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है, उसके पश्चात लैंगिक जनन की जो दूसरी घटना है यानी कि निषेचन किस प्रकार से होता है, निषेचन कितने प्रकार का होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।